दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक अलग ही मुहिम चला रहा है और ये मुहिम है बैटिंग कोच ढूंढो और ढूंढो यहाँ पर हेड कोच। ब्रैंडन मैकुलम के जाने के बाद टीम के कहना है काफ़ी सारे हाथ पांव, काफ़ी सारे प्लेयर्स काफ़ी सारे दिग्गजों के सामने मारे हैं। और दोस्तों, हम आपको हमेशा ये बताते आते हैं कि इन प्लेयर की जगह पर ये प्लेयर आएगा या इस कोच की जगह पर ये कोच आएगा, बट क्या आपने कभी उस लिस्ट के बारे में देखा है जहाँ पर टीम के कैर या कोई अलग टीम जाती है बट वहाँ से उनको रिजेक्शन मिलता है? तो आज मैं आप सभी फैंस को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे नाम जिनके पास टीम के कैर गया था बट यहाँ उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा और रिजेक्शन मिल गया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप भी हो टीम के कैर के बड़े वाले फैन तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अच्छा कोच हर एक टीम की डिमांड होती है। अब बात करें कोच और कप्तान की, तो अगर इनका कॉम्बिनेशन जम जाता है तो दोस्तों गुजरात जैसा करिश्मा पहले ही सीजन में हो जाता है। पर दोस्तों, बचाए इसके टीम के कैर ने कोच नहीं बदला, बदले थे यहाँ पर तीन कप्तान। और इन लास्ट दोस्तों थक हार के ब्रैंडन मैकुलम ने अपना रास्ता नाप लिया और इंग्लैंड के पास वो चले गए, बट अब छोड़ गए हैं टीम के कैर को। और ऐसा नहीं है कि केकेआर को एक रात पहले ही पता चला हो कि ये इंग्लैंड जाने वाले हैं, काफ़ी इंटरनली बातचीत चल रही थी, सब उनको पता था, तो उन्होंने भी ऑप्शंस ढूंढना काफ़ी जल्दी तैयार कर लिया था। बट दोस्तों, आप तो जानते ही हो टीम केकेआर कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स करेगा ही, वरना वो केकेआर कहलाएगा कैसे? तो दोस्तों, इसी के चलते मैं आपको काफ़ी सारे नाम हैं जिनसे या तो कॉन्ट्रैक्ट के चलते बात नहीं बनी, या फिर पैसों के चलते बात नहीं बनी, या फिर अवेलेबिलिटी, या जो भी आप कह लो, रीज़न कुछ भी हो, रिजेक्शन तो रिजेक्शन होता है। तो यहाँ दोस्तों टॉप तीन नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ब्रैटली, युवराज सिंह और ट्रेवर ब्लेसिस। तो दोस्तों, ये जो तीन नाम है ये टीम केकेआर की तरफ से रिजेक्शन में आ चुके हैं, यानी दोस्तों ये ना टीम को बैटिंग कोच की तरफ से आएंगे, ना बॉलिंग कोच की तरफ से आएंगे, क्योंकि बॉलिंग कोच तो वैसे ही है, ना बैटिंग कोच आएंगे, ना मेंटोर आएंगे, ना हेड कोच आएंगे, रिजेक्शन पूरा तरफ से इन्होंने दे दिया है। देखते हैं दोस्तों, अगर पैसों का चक्कर होगा तो कोई और मान सकता है। खैर दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताओ केकेआर का हेड कोच और बैटिंग कोच कौन हो चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।